सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। परस्परस्य मर्माणि येना रक्षन्ति जन्तवः त एव निधनं यान्ति वाल्मीको दरसर्पवत्। अर्थात एक दूसरे के रहस्यों को जानने वाले दो प्राणी जब आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक नहीं रह पाते तो दोनों ही बांबी के भीतर रहने वाले सांपों की तरह नष्ट हो जाते हैं। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र कथा भेद बताने का फल। किसी नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप रहने लगा था जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा था। राजा ने अपने पुत्र का बहुत इलाज करवाया परंतु कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। अपने जीवन से निराश होकर वो युवक किसी दूसरे नगर में चला गया और वहां किसी मंदिर में रहने लगा। अपनी आजीविका के लिए उसने कुछ छोटे मोटे काम करने आरंभ कर दिए और किसी योग्य वैद्य की खोज भी आरंभ कर दी। वहां के नगर सेठ की दो लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती थी और कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही हमें सारे सुख मिले हैं। जबकि दूसरी सिर्फ भाग्य को ही सब कुछ मानती थी और कहती थी, महाराज अपने कर्म से उत्पन्न फल भोगो। सेठ अपनी इस पुत्री के व्यवहार से इतना रुष्ट था कि उसने बदले की भावना से उसका विवाह किसी गरीब से करने का निश्चय कर लिया। संयोगवश देवशक्ति का वो रोगी पुत्र उसकी दृष्टि में आ गया। कन्या ने भी अपने पिता के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और देवशक्ति के पुत्र के साथ विवाह करके दूसरे नगर को चली गई। रास्ते में एक तालाब के किनारे अपने पति को विश्राम करने के लिए छोड़कर वो पास के गांव से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चली गई। अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि उसने कानाफूसी सुनी तो वो वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके पति के पेट से एक सांप बाहर निकला और एक सांप पास की बांबी से भी बाहर आ गया। बांबी से बाहर आए सांप ने दूसरे सांप से कहा, तू इस भले आदमी के पेट में क्यों छिपा बैठा है? इस बेचारे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस पर पेट से बाहर आए सांप ने चिढ़कर कहा, तूने भी तो दूसरों के सोने से भरे मटके पर अधिकार कर रखा है। क्या मुझे छोड़ने की शिक्षा देने से पहले तू इस धन को छोड़ सकता है? कुछ ही देर में दोनों सांपों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बांबी वाला सांप कहने लगा, यदि ये युवक कांजी वाला जल पी ले तो तू बच नहीं सकेगा। ये सुनकर पेट वाला सांप बोला, यदि कोई तेरी बांबी में गरम गरम तेल डाले तो तू भी नष्ट हो जाएगा। सेठ की लड़की ने जब सांपों का ये झगड़ा सुना तो उसने सांपों के बताए ढंग से अपने पति को रोग मुक्त कर दिया और सोने से भरे मटके लेकर अपने पिता के पास लौट आई और खुशी खुशी रहने लगी। सीख तो हमने कहानी में देखा कि देवशक्ति का बेटा पेट में सांप के रहने से कितना परेशान था और जगह जगह इलाज के लिए घूम रहा था। जिस नगर में वो रहने आया उस नगर का नगर सेठ अपनी दूसरी बेटी के व्यवहार से बहुत रुष्ट था क्योंकि वो सब कुछ भाग्य को ही मानती थी। अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए राजा ने उसका विवाह देवशक्ति के बेटे से करवा दिया, पर बेटी के भाग्य में कुछ और ही लिखा था क्योंकि जो इलाज किसी को नहीं मिल पाया वो दो सांपों के आपस में लड़ने से उसे मिल गया। उसने अपने पति को सांप से मुक्त भी करवा दिया और साथ ही सोने से भरे मटके की मालकिन भी बन गई। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान कितना भी कुछ भी कर ले
जो उसके भाग्य में लिखा होता है वो उसको मिलकर ही रहता है।